एलिमेंट्री पार्टीज है। आज आप लोगों को वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं ये बताऊंगा मैं। आप लोग अगर मेरा चैनल कंटिन्यू देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी देखते हैं तो मेरे चैनल को देखा कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और साथ में पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग वर्ग समीकरण कैसे हल करते हैं। आप लोग जान रहे हैं वर्ग समीकरण को हल करने के लिए आप कई विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें मध्य पदों को तोड़ करके भी उपयोग करते हैं, सूत्र विधि का उपयोग करते हैं और पूर्ण वर्ग बना करके भी हल करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक ऐसा चीज बताता हूं जिससे आपको सूत्र अपने आप मिल जाएगा और पूर्ण वर्ग से हल करने का विधि भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्ग समीकरण को बताता हूं। जैसे कि हम लेते हैं वर्ग समीकरण x वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर शून्य है, यह हमारा एक वर्ग समीकरण है। इस वर्ग समीकरण को हल करेंगे तो हमको इसके दो मूल मिलेंगे इसके, है ना। तो आप लोगों के एग्जाम में ये प्रश्न भी आते हैं, एक नंबर वाले जितने भी कंपटीशन है उसमें भी आ सकते हैं कि वर्ग समीकरण को हल करने में कितने मूल प्राप्त होते हैं, उसके दो मूल होते हैं। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, कोई भी वर्ग समीकरण इसी रूप में होता है। जैसे किसी किसी को अब ये समझ में नहीं आता होगा कि यहाँ पे ऋण भी तो रहता है वर्ग समीकरण में, कोई बात नहीं, ऋण जो रहता है वो इनके अंदर में रहता है। जैसे सी है वो ऋणात्मक हो सकता है, बी ऋणात्मक हो सकता है, परंतु इनके जो संबंध है वो धनात्मक ही होते हैं। वहां पर बी ऋणात्मक हो जाएगा तो उसको ब्रैकेट में अलग से भी लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वर्ग समीकरण का। अब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, ठीक है, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, सूत्र मिल जाएगा। देखिए आपके ये कितने प्रश्नों को कवर करता है, सूत्र विधि जिसको हम बोलते हैं, सूत्र विधि से हल करते हैं, वही सूत्र हमको यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाते समय उस सूत्र का निष्पादन हो जाएगा, जिसकी सहायता से आप पूरे सारे प्रश्नों को सूत्र विधि से हल कर सकते हैं। वैसे सूत्र विधि से हल करते समय आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन मिला रहता है कि आप या तो सूत्र विधि से हल करो या तो फिर अपनी मर्जी से जो भी आए। अगर आप सूत्र विधि को अच्छे से जानते हैं तो दूसरी विधि करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ छोटे प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट विधि यानी कि मध्य पद को तोड़ करके भी बनाए तो जल्दी बन जाता है। तो ध्यान से देखिए आप इसको पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि बनाते समय हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आप लोगों को पहले से पता है कि कुछ सूत्र हैं जो एक दो तीन क्रम में अक्सर पिछले कई एपिसोड में बताए गए हैं, आप लोग देख सकते होंगे, अभी फिर से बता देंगे आप लोगों को। जैसे कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग का एक हमारे पास समाधान है कि हम उसको क्या सोचें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके अंदर में जो भी रहे उसका वर्ग कर दिए मैंने, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इस विधि का हम उपयोग करेंगे तो इसका होता है एक्स वर्ग धन दो एक्स वाई धन वाई का वर्ग, इस का उपयोग हम करेंगे और इसी का उपयोग को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। ये हमारे वर्ग अंक का विभाजन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसकी हम तुलना करते हैं यहां पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यहां पर x वर्ग फ्री है, यहां पर x वर्ग के साथ a है और यहां पर y वर्ग है और यहां पर 2xy है। तो इसी रूप में लेने के लिए हम इसको क्या करेंगे, a से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, समीकरण में a से भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखिए चलिए पूरा करके बता देते हैं हम लोगों को ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसको काट देंगे तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ x वर्ग बचा। अब यहां पर इसकी तुलना यहां से करते जाइए आप, यहां पे x वर्ग मिला, यहां पर x वर्ग मिल गया, यहां पर देखिए x के साथ में 2 भी है और y भी है, यहां पर x के साथ b बटे a तो है परंतु 2 नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x वर्ग प्लस, अब चूंकि 2 अपने मन से लिख रहे हैं इसलिए 2 का गुणा भी किए तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा साथ में। देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं करते हैं हम लोग, साथ में एक ही साथ ये कर लेते हैं कि यहाँ पर जो c बटा a है इसको उस साइड ले चलते हैं, यहाँ पे धनात्मक है ये, उस साइड जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप देखते रहिए यहाँ पे माइनस c अपन a हो गया, क्योंकि अगले स्टेप में यही करना था इसलिए हम चाहते हैं कि इसी स्टेप में कर लें तो आपको स्टेप विभाजन में सुविधा होगा। अब यहाँ पर तुलना कीजिए आप, यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर
दो का दो मिल गया, एक्स का एक्स मिल गया, तो जो बचा हुआ है वो वाई होगा, स्वाभाविक है। उसको थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी अपॉन टू ए हो गया इंटू एक्स हो गया। देखिए वहां से इसकी तुलना कीजिए, आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे दो के लिए दो है, एक्स के लिए एक्स है और वाई के जगह पे बी बटा दो है। साथ में ये देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ऐसा संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पर y का वर्ग होना भी जरूरी है, और यहाँ पर हमारे पास y का वर्ग नहीं है, आप देख रहे हैं। तो y हमारे जगह पर क्या है, y के लिए हमने कौन सा डिसाइड किया, b अपॉन टू है, और उसका वर्ग यहाँ पर साथ होना चाहिए। ध्यान से देखते रहिए, हम यहाँ पे अपने मन से वाई वर्ग को लिख रहे हैं, यानी कि वाई का मान ये हो गया और इसका वर्ग ये हमने यहाँ पर अपने मर्जी से लिखा है, बराबर भी इस साइड लिखा है, इसलिए बराबर के उस साइड में हमको वही चीज करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा इतना। और जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, b अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ दिए, यानी कि पूरे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इधर भी जोड़े हुए हैं, इधर भी जोड़े हुए हैं, और यहाँ पर पहले से बचा हुआ था हमारे पास माइनस सी अपॉन ए। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का ये पूर्ण वर्ग में बदल चुका है, इसलिए इस विधि को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। आगे हल करेंगे तो हमको इसका सूत्र मिल जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। अब इस रूप में हम इसको लिखना चाहेंगे, x वर्ग मिला हमको, उसके बाद दो मिला, उसके बाद x मिला, उसके बाद y मिला, फिर प्लस y स्क्वायर भी मिल गया हम लोगों को, और इधर का आगे हल करेंगे देखते हैं। तो यहां पर देखिए इसके जगह पर क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई, एक्स माने एक्स, वाई माने बी बटा दो ए, और ये पूरे का वर्ग, इतने की जगह पे ये लिख सकते हैं हम लोग, और फिर बराबर का बराबर। यहाँ पर देखिए इसको हम हल कर सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर इसका लघुत्तम क्या जाएगा, दो दुनी चार ए वर्ग है यहाँ पर। चलिए इसको एक स्टेप और देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको सरल हो जाए, ये बी स्क्वायर माइनस दो दुनी चार ए वर्ग ऋण सी बटा ए, ठीक है। ये देखिए इसका, इसको हमने हल कर दिया तो इस रूप में आएगा। अब यहाँ पर आप सोचिए, यहाँ पर इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या जाएगा, फोर ए स्क्वायर आएगा। अब चूंकि यहाँ पर उतना ही है, इसलिए इसका डायरेक्ट बी स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस आएगा, और यहाँ पर देखिए ए है यहाँ पर हर में, इसलिए इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, चार ए बचेगा, चार ए के साथ सी का गुणा करेंगे तो चार ए सी, फोर ए सी ये हो गया। आगे बात समझ में, यहाँ पर देखिए ये पूर्ण वर्ग में बदल चुका है और इसका वैल्यू कितना है, इतना है। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इस वर्ग को हटाना चाहेंगे, तो वर्ग को हटाना चाहेंगे तो आप लोग अभी तक आते थे तो डायरेक्ट ऐसा करते थे, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, वर्गमूल चार बराबर दो लिख देते थे सीधा सीधा, है ना। वहां पर चूंकि आवश्यकता नहीं पड़ता था कि हम लोग वर्गमूल चार को और क्या लिख सकते हैं, तो वर्गमूल चार को जब भी हम किसी भी चीज के वर्गमूल निकालते हैं वो प्लस माइनस के रूप में आता है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, प्लस माइनस के रूप में यहां पर लेंगे। तो यहां पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू, अब चूंकि इसका वर्ग का वर्गमूल ये देखिए, यहां पर मैं ऐसा कर देता हूं, आपको और इजी लगेगा, ये चला गया, यहां पर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा करने पर चूंकि वर्ग का वर्गमूल घट रहा है इसलिए यहां पर ये प्लस माइनस में आएगा। तो यहां पर वर्ग है और वर्गमूल है, घट गया तो क्या मिला हमको, प्लेन ये मिल गया, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए मिला बराबर धन ऋण, यहां पर देखते रहिए क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, चूंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए ऐसा ही रहेगा। साथ में नीचे वाला देखिए पूर्ण वर्ग है, वर्गमूल चार माने दो और ए वर्ग का वर्गमूल निकाले तो ए, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, प्लस माइनस इसका ये वैल्यू हो गया। अब इसको आगे लेकर के चलते हैं तब हमको इसका सूत्र मिल जाएगा, मैं यहीं पे आगे ले चलता हूं यहां पर। यहां पर देखिए x प्लस है b माइनस b अपॉन टू ए, b अपॉन टू ए उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर देखते रहिए आप, x बराबर माइनस b अपॉन टू ए, ये बराबर के उस साइड चल देने से ये माइनस हो गया, उसके बाद है प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत इजी है, दोनों के हर में समान है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत कम आ गई आप लोगों को, आप जैसे जानते हैं उसी के हिसाब से इसका मान निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी।
ये देखिए x का मान हमको मिल गया, ये सूत्र रूप में लेते हैं, आप लोग हमेशा सूत्र रूप में याद करते हैं, तो इस चीज को देखते रहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, x के हमारे पास दो मान है, एक यहाँ पर धन लेंगे एक ऋण लेंगे, यानी कि जो मैंने बताया था कि किसी भी वर्ग समीकरण के मूल कितने होते हैं, दो होते हैं, यही से हमको क्लियर होता है। तो x के हमारे पास दो मान होंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का जो मान है दो टू होगा, यहाँ पे माइनस बी, ये प्लस को लेते हैं एक बार, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तथा दोनों मान होते हैं यहाँ पे, या नहीं होगा तथा होगा, यहाँ पर माइनस बी वाला हो गया और एक बार प्लस को लिए थे, तो अब दूसरी बार में माइनस बी के साथ माइनस को लेंगे और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके हमको दो मान प्राप्त हो रहे हैं, वर्ग समीकरण को हल करने से हमको दो मान प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये कौन सा विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है। अगर इस विधि से हल करते जाएंगे तो आप किसी भी प्रश्न को इसी विधि से हल करेंगे तो भी आपको x के दो मान इस तरह से मिल जाएंगे, और अगर आपको कहा जाता है कि सूत्र विधि से उपयोग करना है तो आप यहां से करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे यहां से जो एबीसी में दिया रहता है। पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं तो हमको ऐसा सूत्र मिलता है, अब इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री स्क्वायर टू जीरो। अब इस वर्ग समीकरण को हमको हल करना है तो इसको हम सूत्र विधि से हल करेंगे, तो सूत्र विधि से हल करने से क्या होगा वो देखते हैं। सूत्र विधि से हल करते समय देखिए हम लोग डायरेक्ट पहले सूत्र को लिखेंगे, ठीक है, ये दिया हुआ है, मैं लिखेंगे इसको, देखिए आपको लिखने का तरीका ही बताता हूं, दिया है एक, ये हमारा वर्ग समीकरण हो गया। अब इस वर्ग समीकरण में हमको क्या चाहिए, देखिए हम ये कंपेयर करते हैं हमारा स्टैंडर्ड वर्ग समीकरण से, तो ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, देखिए बी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, बी के जगह पे लिखा हुआ है पांच फाइव, और सी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए बी और सी के मान हमको मिल गए, यानी कि हमारे पास अब क्या बचा, लिखना सूत्र बचा, हम इसको सूत्र को लिखेंगे जिस समय एग्जाम में लिखते रहते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब इसमें इन मानों को भर देंगे और हल कर लेंगे, आप चाहें तो इसको एक साथ लिख करके भी मान भर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से दोनों को अलग अलग लिख करके भी इसको कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए सीधा लिखते जाते हैं हम लोग, इसके दो मान सीधा एक्स के, एक्स बराबर माइनस बी, माइनस बी मैंने माइनस फाइव, फिर प्लस को ले लेते हैं, यहां से अलग कर देते हैं दो भागों में, है ना, तथा वाला भाग जो है यहां से अलग कर देते हैं इस तरह से, इधर बनाएंगे माइनस वाले को, इधर ले लेते हैं प्लस वाले, फिर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मैंने पांच का वर्ग, फाइव का स्क्वायर, पांच पचे पच्चीस, डायरेक्ट लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, माइनस फोर ए सी, फोर है ए है और सी है ये, तो फोर का फोर, ए के जगह पे टू और सी के जगह पे थ्री, यानी कि फोर इंटू टू इंटू थ्री और ये डिवाइडेड बाई टू इंटू, ए का वैल्यू कितना है टू, इसकी सेट कॉल कर लेते हैं फिर माइनस वाले को कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस फाइव प्लस रूट ऑफ ये कितना है पच्चीस है, माइनस तीन दूनी छह चौ चौबीस बटे दो दूनी चार, यहाँ पे देख रहे हैं आप माइनस फाइव प्लस जो पच्चीस में से चौबीस गया एक, वर्गमूल एक का मान भी क्या होता है एक ही होता है आप लोग जान रहे हैं, बटे चार, ये कितना हो जाएगा माइनस फाइव प्लस वन, इट मीन्स माइनस फोर अपॉन फोर, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया माइनस वन आया, तो हमारा एक्स का जो एक मान आया माइनस वन आया, ठीक है, इसका एक मूल मिला माइनस वन। अब इसी तरह से हम इसको माइनस लेकर के कर लेते हैं, ध्यान से देखिए माइनस फाइव ये पर हल कर चुके हैं इसलिए हमको ये बार बार हल करना नहीं पड़ेगा, हम यहां तक पहुंच गए हैं समझ लीजिए, ठीक है, खाली ये चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस डालते जाएंगे और लास्ट में यही पे चेंज कर लेंगे, तो ये हो गया माइनस फाइव माइनस, ये हल कर चुके हैं, ये हल करके क्या देता है एक देता है, ठीक है, हम कितना जल्दी काम पहुंच गए देखिए, और नीचे का तो एज इट इज रहेगा फोर, यानी कि ये क्या मिला माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स हो गया, माइनस सिक्स बाई फोर, इसको काट सकते हैं, दो दूनी चार और दो तिया छह, यानी कि क्या मिला हमको एक्स का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू, ये हमको दूसरा मूल मिल गया, ठीक है, एक मूल ये मिला एक मूल ये मिला। इस तरह से देखिए हल करना कितना आसान है, सूत्र विधि से हल करो बोलने से यहीं से हल हो गया देखिए, और ये चार पांच नंबर के प्रश्न आते हैं इसलिए बहुत सरल है। अगर पूर्ण वर्ग विधि बोलता है तो इसको हल करते समय जिस जिस स्टेप का उपयोग किए थे वो कर सकते हैं।